कि चापा भाई ये माणिकचंद दास के वहां से कितनी हुंडी आई है। चापा भाई ने पूरे वृत्तांत कहो कि जयराज, चापा भाई ने पूरी बात कही कि जयराज ये माणिकचंद दास के पास जो भी कछु तो सब बेच के माने 76,000 की हुंडी आपको समर्पित करी है। और जब ये बात श्री गुसाई जी ने सुनी, श्री गुसाई जी को हृदय भरी आयो। श्री गुसाई जी ने कही कि माणिकचंद दास ये तूने का कियो। और बड़ी सुंदर वो संवाद संक्षिप्त में जो विचार करें, श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि हम तुमको एक वस्तु देंगे, तू हमको एक वस्तु दीजो। दोनों पति पत्नी ने कही प्रभु अब हमारे पास तो कछु है नहीं, अब ये केवल देह है, हमारो सर्वस्व तो आपको समर्पण कर दियो है, अब केवल ये शरीर है और हम यही चाहें कि ये देह सु बस जितनी हो सके आपकी सेवा हो पावे। तब श्री गुसाई जी ने चापा भाई को बुलाया और कही कि जो हुंडी इनने दी है वामे सु 10,000, क्योंकि श्री गुसाई जी ने माणिकचंद दास जी से कही कि तुम कछु व्यापार करो, पत्नी सु कही कि तुम घर में रह के ठाकुर जी की सेवा करो। और तब वो व्यापार के लिए श्री गुसाई जी ने अपनी हुंडी में से 10,000 की हुंडी चापा भाई को कही कि ये माणिकचंद को दे दो। और एक सुंदर ठाकुर जी को स्वरूप बदलायो, बड़ी आज्ञा करी, कठोर आज्ञा करी कि अपने घर जाओ। और एक सुंदर ठाकुर जी को स्वरूप बदलायो, उनको सेवा सिखाई और दोनों से आज्ञा करी कि अब अपने घर जाओ, ठाकुर जी की सेवा करो और जब अनुकूलता हो तब वो हुंडी दीजो। दोनों पति पत्नी कठोर मन से अपने घर आए, श्री ठाकुर जी की सेवा भाव से करवे लगे। और जो 10,000 की हुंडी जो प्राप्त हुई थी वो द्रव्य सु उनने बड़ो द्रव्य कमायो। और वार्ता में उल्लेख आवे के एक भाग अपने लिए रखते और तीन भाग को द्रव्य जो थो वो श्री गुसाई जी के लिए निकालते। और ऐसे करते करते वो उनने श्री गुसाई जी से जो 10,000 लिए थे वो उनको इकट्ठे कर लिए। समय चलते श्री गुसाई जी वहां पधारे, श्री गुसाई जी को मुकाम वहां भयो। और जैसे ही आप विराजे, सबसे पहले वो जो 10,000 की हुंडी थी आपके युगल चरणारविंद में पधराए और विनती करी कि जयराज मुखो आप ऋण मुक्त करो। और तब श्री गुसाई जी के मुख से वचन निकले कि जिनने वो बलि राजा को देखे नहीं होए उनको ये माणिकचंद के दर्शन करो। प्रियजनों, ऐसे ऐसे भगवतीय के चरित्र, ऐसो ऐसो समर्पण को ये पुष्टि भक्ति मार्ग है। और यही लिए श्री आचार्य महाप्रभु ने आज्ञा जो करी है षोडश ग्रंथ अंतर्गत के सर्व वस्तु समर्पणम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है आपका है, मैं तो बस केवल दास हूं, दासो हूं। और ये संकल्प, ये नियम जब हम ब्रह्म संबंध ले में हैं तब भी यही तो एक संकल्प करें हैं। हे प्रभु अब तक जो मैं अपनो मान के बैठो तो ये मेरो घर, मेरो परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बालक, मेरो व्यापार, अब जो कुछ भी है प्रभु अब आपको है, मैं आपको हूं, अब मैं आपको दास हूं। तो प्रियजनों, ये समर्पण को मार्ग है, दास भाव को मार्ग है, दीनता को मार्ग है। ऐसे ऐसे माणिकचंद दास जी जैसे परम भगवती है, क्योंकि बली राजा को जो समर्पण है वो मर्यादा समर्पण है और माणिकचंद दास जी को जो समर्पण है वो पुष्टि समर्पण है।
तो ऐसे भगवदीयन को स्मरण करें। भगवदीयन ने जो मार्ग प्रशस्त कियो है वो मार्ग पे चलने को प्रयत्न करें और समय मर्यादा को ध्यान रखते हुए आज के जो उत्सव दान को उत्सव और जो वामन द्वादशी को उत्सव है, इन दोनों को उत्सव को जो महात्म्य है, जो हमने यथा मति अनुसार आप सबन ने श्रवण कियो, तो बस अधिक समय न लेते हुए पुनः 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 आज के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। 20 दिना ये दान के हैं जो पूर्व में हमने श्रवण किए, तो जो भी वैष्णव के वहां श्री ठाकुर जी विराजते हों, वो सेवा कर में थोड़ा सो बदलाव हो, दान की पिछवाई लगे, नित्य श्रृंगार राजभोग में छोटी छोटी मटोकी में हम प्रभु को गोरस ठाकुर जी को भोग धरें, मीठो गोरस, केसर युक्त गोरस, ये चार युक्त हैं यानी चार प्रकार के गोरस बताएं, खट्टो धोर गोरस, तो दही ठाकुर जी को गोरस अत्यंत प्रिय है, तो वो गोरस अपन प्रभु को धरावें। गोरस यानी इंद्रियों और इंद्रियों को रस यानी कि अपनो मन बस प्रभु के चरणारविंद में सम्मिलित रहे, यही भाव के साथ उत्सव की बधाई के साथ मैं अपनी वाणी को रसिया प्रभु की युगल चरणारविंद में समर्पित करूं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की।